देख सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा फूटा हुआ। इधर देखिए बाजू पे पूरा देख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे किस तरह पूरा फूटा हुआ, इतना ज्यादा आज जो है ना इतना आज हम हालात से गुजर रहे हैं। जान से किसी इंसान को कोई भी चीज फाजिल होगा ना तो जरूर वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। इतना ज्यादा लोग को एक दिन दो दिन टॉर्चर होता है ना, तो इतना चीज पब्लिक से शेयर नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज हम मजबूरन हमें करना पड़ रहा है। आप लोग बुरा मत मानिएगा दोस्तों, हम मेरा गलती रहता है तो हम खुद अपने से पैर पकड़ के बोल लेते हैं। और आप लोग कितने वीडियो भी देखे, बड़ी मम्मी रिलेशन में लगेंगे, मौसी लगेंगे, वो सब आई, वो सब भी बोले कि का है तुम्हारा औरत है, तुम्हारा परिवार है, तो पूछ लिए तो क्या हो गया, पूछ नहीं सकते हैं। इसी में सबका गलती ठहरा के बोले नहीं काहे पूछेगी, अब बताइए दोस्तों काहे हमको पूछ। दोस्तों आपने जो अभी क्लिप देखा है वो क्लिप देख के आप सभी को क्या लगता है कि वो रियलिटी है या सिर्फ कंटेंट? सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंजल आरला सिंह। मैं एंजल और मेरी चैनल एंजल आरला सिंह में सभी को स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ छोटू आरती के बारे में, जो कि जिनकी प्रेम कहानी हीर रांझा के बराबर माना जाता है। हीर रांझा मतलब बड़े बड़े जो प्रेमी प्रेमिका थे उनसे उन दोनों का कंपेयर किया जाता है। ऐसा कोई दुनिया में, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दोनों की प्रेम कहानी को नहीं जानता और पहचानता होगा। अब सिर्फ छोटू आरती नाम तक लेके देखो, देश विदेश कहीं पे भी आपकी आपको पूरा स्टोरी पता चल जाएगा कि क्या थी इन दोनों की कहानी। पिछले साल ही छोटू की डेथ होती है, जो जिस टाइम काफी विवाद और काफी कंटेंट चल रहा था पूरे यूट्यूब पर, जहां भी ओपन करो सिर्फ छोटू आरती प्रेम कहानी का ढोल था बज रहा था। मैं मजाक किसी का नहीं बना रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ। तो जैसे कि बेचारा फालतू में ही छोटू का जान चला गया, इसमें तो बेचारा की थोड़ी भी कोई गलती भी नहीं थी। जैसे दो प्रेमी प्रेमिका रहते हैं, मैं फ्लैशबैक में जाना चाहूंगी, अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी स्टोरी। तो प्रेमी प्रेमिका रहता है, प्रेमिका अपनी प्रेमी को अपने घर पे बुलाती है, वो भी आधी रात को मिलने के दौरान घर वालों को पता चल जाता है, तो दोनों को अलग अलग कमरे में बंद किया जाता है और लड़की को भी मारा पीटा जाता है और लड़का को तो जान ही ले लिया जाता है। इलेक्ट्रिक शॉट्स दे देकर, इलेक्ट्रिक शॉक के दौरान उनकी मौत हो जाती है छोटू की। फिर उसके बाद काफी विवाद होता है और आरती अपने घर वालों को जेल में डलवा देती है। उस टाइम तो वो स्टोरी देखकर काफी लोग कहते थे कि प्रेमी प्रेमिका हो तो छोटू आरती जैसा, मैंने पूरी दुनिया में ऐसी स्टोरी कभी नहीं देखी। मतलब हीर रांझा, बड़े बड़े जो प्रेमी प्रेमिका थे उनसे कंपेयर किया जा रहा था उनका। बट आरती भी बड़े बड़े कस्मे वादे भी खाए थी कि मैं कभी लाइफ टाइम शादी नहीं करूंगी, छोटू की जो पेरेंट्स है वो मेरे पेरेंट्स है, मैं कभी जिंदगी में शादी नहीं करूंगी और मैं छोटू की विधवा बन के रहूंगी। आप लोगों को भी पता है ये स्टोरी। मैं और अभी प्रेजेंट की बात करना चाहूंगी, छोटू की मौत की एक साल भी नहीं हुई और उन्होंने उनके ही बड़े भाई, यानी कि हम हिंदू में बोला जाता है कि बड़े भाई जो लड़का का होता है वो भैंसुर के रूप में माना जाता है, उनसे उन्होंने रचा ली शादी घर वालों के द्वारा, जैसे भी हो आई डोंट नो, मैं तो या आप लोग खुद तो नहीं जानते उनकी रियल स्टोरी या घर पे जाके तो नहीं देखे हैं क्या था उन दोनों का मैटर, या छोटू के जाने के बाद दोनों फिर से आरती को प्यार हो गया होगा मनु से तभी शादी करवा दिए घर वाला, ये भी हो सकता है। क्योंकि शादी के कुछ दिन बाद उनका पहला बच्चा मिसकैरेज हो जाता है मारपीट के दौरान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, शादी हो गया उसके बाद उनके दो तीन बच्चे भी खराब हुए हैं जो कि आप देखे भी होंगे, मिसकैरेज हुआ था। अभी प्रेजेंट में मैं वीडियो देखने को मिलता है, प्रेजेंट में उनका कंटेंट हमेशा मतलब ट्रॉल कर रहा है यूट्यूब पे, काफी वायरल जाता है उनकी वीडियो, ब्लॉग्स जो है दो दो मिलियन तक पहुंच रहा है, सिर्फ इस वजह से कि देखना चाहता है पब्लिक को क्या है, मसाला चाहिए, तड़का चाहिए, देन दैट्स इट। अभी चल रहा है उन दोनों के बीच में काफी विवाद, मनु से शादी होने के बाद छोटू बयान दे रही है कि आप लोग को क्या पता है मेरी रियल स्टोरी, शादी हो गई बस, आप लोग तो इतना ही जानते हैं, मनु मुझे मारता है, पूरी फैमिली वाले मुझे टॉर्चर करते हैं, बात यहाँ तक की भी खत्म नहीं हुई, मुझे भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता है,
ऐसे ऐसी बात मतलब ऐसे ऐसे चीज मामले सामने आते हैं आरती को लेकर, तो कुछ लोग कमेंट ऐसा भी करते हैं कि जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकी वो अपने सास ससुर या किसी और की क्या होगी। हाँ बात यह भी है बहन, जब तुम अपने जो जन्म दिया उससे बड़ा तो दुनिया में कोई नहीं होगा ना। एक लड़का की जान गई है, हाँ मैं पता है कोई भी घर वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो भी गलत किए हैं, किसी के बेटा या किसी के मतलब किसी का बच्चा या किसी के को उजाड़ने से उन लोगों को क्या मिला। गलती तो आपकी बेटी की भी है, अपनी बेटी को भी सजा दो। अगर दो प्रेमी प्रेमिका आपस में प्रेम करते हैं तो गलती सिर्फ प्रेमी का नहीं होता है, दोनों का होता है। ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजता है, इसलिए सजा दोनों को बराबर में मिलना चाहिए। तो वो बात की बात है, अभी प्रेजेंट में बस यही ट्रॉल कर रहा है कि मन्नू काफी मारता पीटता है। पिछले दो दिन पहले की बात है, मन्नू का कभी भी फोन आरती चेक नहीं करती है। अगर गलती से कभी चेक कर भी ले तो मन्नू काफी मतलब गुस्सा करता है, आरती पे मारता पीटता है। इसी बीच परसों एक लड़की का कॉल आता है, तो गलती से आरती रिसीव कर लेती है और पूछती है कि तुम कौन हो। यह हर एक पत्नी का अधिकार होता है कि अपने पति के लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं मेरा पति कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, ये जानने का अधिकार पूरी पूरी हर लड़की को है, हर पत्नी को है। तो इसमें गलत क्या है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो आरती इसी दौरान फोन चेक कर लेती है मन्नू का, और चेक करने के बाद वो लड़की से बात करती है। तो लड़की बोलती है कि आप कौन है, आपने फोन किया है, मतलब इसी टाइप बहुत विवाद चलता है। बात काफी देर तक होने के बाद मन्नू को जब यह बात पता चलता है तो आरती पे काफी मारपीट और टॉर्चर, मतलब बहुत मानसिक शारीरिक रूप से उसको पीड़ा दिया जाता है, बहुत टॉर्चर किया जाता है आरती को। मन्नू बहुत मारपीट करता है आरती के साथ और बोलता है कि तुम मेरा फोन क्यों छुई, तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम कहीं से कोई कॉल आए फोन आए तुमको क्या है उससे, मैं समझूंगा। तो आरती बोली मेरा हक नहीं। मतलब मारपीट के दौरान काफी अगल बगल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं, मन्नू को भी समझाते हैं, ये तो गलत है कि तुम्हारा फोन या तुमसे रिलेटेड कोई चीज आरती ना छुए, वो तुम्हारी बीबी है, पूरा अधिकार है उसका। तो वो काफी गुस्सा होकर वो घर से निकल जाता है। और इसी दौरान आरती वीडियोस पोस्ट करती है, वीडियो बनाकर कि अपना सारा सच्चाई बताती है कि मैं इस घर में रह रही हूँ और इस घर में मेरा थोड़ा भी इज्जत है तो बस आप लोगों की प्रेम और सपोर्ट के वजह से। तो बस वही दो पैसा जो आता है ना आरती का YouTube के थ्रू बस और Facebook के थ्रू, बस उसी से उसकी जिंदगी जो है ना उस घर में, मतलब एक जरिया है आमद का। आरती सिर्फ एक जरिया है आमद का और कुछ नहीं, ना ही बहू, ना ही पत्नी, ना ही किसी की बेटी। आज आरती का पेमेंट आना बंद हो जाए या आरती YouTube से अर्न करना बंद कर देना, उसका वैल्यू घर में कुत्ता के बराबर भी नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ। क्या आप लोगों को इस बात में 1% भी सच्चाई लग रही है? क्या मैं जो बोल रही हूँ वो गलत है? अगर मेरी बात आप लोगों को गलत लग रही है तो आप खुद उसकी वीडियो उठा के देख सकते हो। उन्होंने वीडियो में खुद कन्विंस किया है कि हाँ मैं बोल रही हूँ, अगर आप लोग प्यार सपोर्ट ना करो तो इस घर में मुझे एक वक्त की रोटी, कपड़ा और घर में रहना तक दुर्लभ हो जाएगा। तो भाई दुनिया में जिसका माँ बाप नहीं होता ना, जिसका माँ बाप सपोर्ट नहीं करता, उसका दुनिया में कोई नहीं होता। बहन जब तुमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी हो तो भुगतना भी तुम्ही को पड़ेगा, तुम जाओगी भी कहाँ। तो चलो कोई कुछ ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी इस टॉपिक पे। और आप लोगों को क्या लगता है कि आरती जो बोल रही है, कह रही है, क्या वो सच है, क्या उनके साथ क्या होना चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी बातों से अगर थोड़ी भी 1% भी सहमत है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइए। सो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी कॉन्ट्रोवर्सी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लव यू ऑल फ्रेंड्स।